Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On the demand of Julie Parveen from Bihar, ये problem है dynamics की और chapter है central orbit. A particle describes the curve AU is equal to 10 hyperbolic theta upon square root 2 under a force P to the pole, find the law of force. तो इसका सोल्यूशन हमें निकालना है. गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है ए यू इज इक्वल टू 10 हाइपरबोलिक थीटा अपान स्क्वायर रूट 2. सबसे पहले हम इसको थीटा को के रिस्पेक्ट में यू का दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेंट्रल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स का इक्वेशन, उसके लिए यू के फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत होती है. इसलिए इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में पहले. तो ए इंटू में है, कॉन्स्टेंट है, से बाहर ले लेंगे. यू का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में डी यू ओवर डी थीटा होता है. और 10 हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि 10 हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है sec हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बाई रूट 2. लेकिन अगर थीटा होता तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती बात. यहाँ पर थीटा बाई 2 है, रूट 2 है, तो इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट जो है थीटा बाई रूट 2 में रूट 1/√2 इसे तो बाहर ले लेंगे. और थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का डिफरेंशिएशन 1 के इक्वल हो चुका है. तो यहाँ पर यानी वैल्यू आई है ए डी यू ओवर डी थीटा की 1/√2 sec हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा अपॉन रूट 2. अब हमें सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत होती है इसे यू के विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो इसको इसलिए एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो थीटा के रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए इंटू में कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन डी यू ओवर डी थीटा स्क्वायर हो जाएगा. 1/√2 इंटू में है, कांस्टेंट है, तो इसको हम पहले यहाँ लिख लेते हैं अलग से. और डिफरेंशिएशन सिर्फ इसका करेंगे तो इसको इस तरीके से ट्रीट करें जैसे कि थीटा स्क्वायर है. तो फिर थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू थीटा होता है, यानी स्क्वायर है तो पावर आगे जाएगी और जितनी भी पावर होगी उसमें से एक कम हो जाएगा. मीन्स sec हाइपरबोलिक की पावर 1 ही रह जाएगी एक कम होने के बाद में. लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये थीटा नहीं था बल्कि sec था, तो sec का दोबारा से हमें डिफरेंशिएशन करना होगा. sec का डिफरेंशिएशन होता है sec हाइपरबोलिक थीटा बाई रूट 2 और इंटू 10 हाइपरबोलिक थीटा अपान स्क्वायर रूट 2. लेकिन अगर ये थीटा होता तो यहीं पे छोड़ देते. ये तो है थीटा बाई 2, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे जैसे कि ऊपर किया था और उसकी वैल्यू आई थी 1/√2 और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 के इक्वल हो गया. 1/√2 ये और 1/√2 ये, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगा 2 हो जाएगा. रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो गया और यहाँ पर 1/√2 और sec इंटू sec हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा अपान स्क्वायर रूट 2 हो गया. और ये 10 हाइपरबोलिक को हम इसी तरीके से लिख देंगे. ये वैल्यू हो जाएगी 10 हाइपरबोलिक थीटा अपान स्क्वायर रूट 2. ये चल रहा है ए इंटू डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर के बराबर. ये आ गया. यहाँ पर हम 2 से 2 कैंसिल भी कर देंगे. 2 से 2 कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये बच रही है वैल्यू यहाँ पर sec हाइपरबोलिक के बराबर. और यहाँ पर एक फार्मूले में sec का हाइपरबोलिक का जो डिफरेंस होता है उसको हमें थोड़ा सा वैल्यू गलत हुई है. sec हाइपरबोलिक का डिफरेंस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर माइनस की वैल्यू आएगी. यानी ये sec का डिफरेंस, ये पावर आ गया 2 sec हाइपरबोलिक और sec का डिफरेंशिएशन जब किया था तो उसकी वैल्यू माइनस हो रहेगा, तो उस माइनस की वजह से ये साइन माइनस हो जाएगा. मीन्स
ये है कि डिफ्रेंसीशन करना था हमको थीटा के रिस्पेक्ट में साइन हाइपरबोलिक थीटा का, तो इसकी वैल्यू होती माइनस का सेक हाइपरबोलिक थीटा इंटू टेन हाइपरबोलिक थीटा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर माइनस छूट रही थी, गलती हो रही थी, तो उसको सुधार करके माइनस कर लिया, वही माइनस ये यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो सेकेंड डेरिवेटिव की, यानी a इंटू डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर की माइनस का सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा अपान रूट टू इंटू टेन हाइपरबोलिक थीटा अपान रूट टू। अब यहाँ ये टेन हाइपरबोलिक जो थीटा अपान रूट टू है, तो इसको देखिए शुरुआत में ये वैल्यू लिखी हुई है, इससे इसकी वैल्यू यानी हम इस इक्वेशन नंबर वन डालें, इक्वेशन नंबर वन से इसकी वैल्यू को ए यू के इक्वल लग दें। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है ए डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा अपान रूट टू, और ये टेन हाइपरबोलिक थीटा बाई रूट टू की जगह पर इक्वेशन नंबर वन से ए इंटू यू रख देंगे। इससे ए से ए भी कट जाएगा और हमें जिसकी ज़रूरत थी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसकी वैल्यू भी आ गई, यानी माइनस का यू इंटू और सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा अपान स्क्वायर रूट टू। हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट यहाँ पर लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि सिंस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इज, इस फार्मूले को लिख रहे हैं पी अपान एच स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर। तो ये पता चल गया होगा कि हमें पी की वैल्यू फाइंड करना है, तो ज़रूरत पड़ेगी सेकंड डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इसीलिए इसको वैल्यू को पहले निकाल के रखा हुआ है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे पीछे से जो हमने वैल्यू निकाली थी, क्योंकि हमें पी की वैल्यू फाइंड करना है, लॉ ऑफ फोर्स बताना है क्या होगा, किसके अकॉर्डिंग है ये। तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई अभी माइनस यू सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बाई रूट टू, और ये माइनस इस प्लस को माइनस में बदल देगा, तो यू माइनस यू इंटू सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा अपान स्क्वायर रूट टू आ गया, और इन दोनों में से कॉमन यू को ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा वन माइनस का सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा अपान स्क्वायर रूट टू। अब वन हम लोग जानते हैं कि वन माइनस का सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड की वैल्यू जो होती है वो टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड के बराबर होती है, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो यू इंटू ये वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा अपान स्क्वायर रूट टू। इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसे लिखा जा सकता है टेन हाइपरबोलिक थीटा अपान रूट टू का होल आप स्क्वायर लिख सकते हैं। और इक्वेशन नंबर वन को देखें तो ये वाली जो वैल्यू है वो ए यू के इक्वल है, तो ए यू का होल आप स्क्वायर हो गया, लेफ्ट में चल आ रहा है पी अपान एच स्क्वायर यू स्क्वायर, तो यहाँ पर राइट में ये हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा और यू की पावर दो ये और एक ये यू की पावर थ्री हो जाएगी, और पी की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो इसका इनटू होगा एच स्क्वायर का और ए स्क्वायर पहले से है, यू की पावर थ्री ये और टू का उधर जाके इनटू होगा, तो दोनों मल्टीप्लाई होके यू की पावर फाइव बन जाएंगी। तो इस तरीके से ये एच और ए तो कॉन्स्टेंट है, तो हम कह सकते हैं पी जो है वो जो किस लॉ के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है वो यू की पावर फाइव है, और जबकि हम लोग जानते हैं यू जो होता है वन अपान आर के इक्वल होता है रेडियस वेक्टर, तो पी प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, यू की वैल्यू रखेंगे वन अपान आर तो वन की पावर फाइव वन होगा, आर की पावर फाइव करेंगे तो आर टू द पावर ये फाइव हो जाएगा। इस तरीके से पी प्रपोर्शन होगा वन अपान आर की पावर फाइव के, यही लॉ ऑफ फोर्स है इस सेंटर फोर्स का। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।